आप ये जो औरत अपने बच्चों के साथ गुमसुम बैठी हुई देख रहे हैं, इसने अपने पति को खो दिया है। इसका पति टीबी का मरीज था। लॉकडाउन के चलते इसे ढंग से टीबी का इलाज नहीं मिल सका। इलाज तो छोड़िए, मरने के बाद उसे चार कंधे भी नसीब नहीं हुए। उसकी अपनी बेटियों ने अपने पिता को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। मृतक का नाम संजय बताया जा रहा है। संजय चाय की दुकान चलाता था। चाय की दुकान से ही वो अपने परिवार को पालता था। संजय की पांच बेटियां हैं, लेकिन संजय की मौत के बाद इनके परिवार का कोई सहारा नहीं जिससे इनके परिवार का खर्चा चल सके। लॉकडाउन में भले ही सामाजिक संगठन राशन की मदद करते, लेकिन परिवार के जीवन यापन के लिए संजय का परिवार अब संकट में है और सरकारी मदद के इंतजार में है। मेरे पापा काफी दिनों से बीमार थे और रात को अचानक लंबी लंबी सांस चली थी, उसमें खत्म हो गए। क्या बीमार थे काफी समय से? हाँ, काफी समय से बीमार थे। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं प्रतवा कॉलोनी में। खुद का मकान है या किराए का? किराए का मकान है। कितने समय से रह रहे हैं आप लोग? कितने समय से रह रहे हैं ये मेरे को नहीं पता। किस चीज का काम करते थे पापा आपके? पापा चाय का होटल था। किस तरह से मतलब तुम्हारा पालन पोषण होता था, क्या है? एक खाली चाय के होटल से ही होता था। कितने भाई बहन हैं? हम पांच बहन हैं, भाई नहीं है। तो जब आपके पापा खत्म हुए थे तो कोई आपको आपने कंधा दिया था? हाँ, कंधा दिया था। कहाँ तक लेके गए थे आप? कोई साथ, कोई दूसरा नहीं आया कोई साथ में आपके? नहीं था, कोई नहीं आया साथ में। आपने लोगों से कहा? हाँ, कहा था। क्या कभी इस बच्ची ने सोचा होगा कि कभी जिस पापा की उंगली पकड़ कर ये चलना सीख रही है, कभी उस पिता को कंधा भी देना पड़ेगा। ऐसे में उन लोगों पर सवाल खड़ा हो जाता है कि इंसान के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि बुरे वक्त में किसी के काम आ सके। अलीगढ़ से न्यूज के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट।